आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। बिहार के इस पार्टी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। स्थापना के वक्त लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह समेत 17 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता व समर्थक जुटे थे। आरजेडी का गठन कब हुआ, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आखिर गठन हुआ क्यों। राष्ट्रीय जनता दल, ये पार्टी वैसे तो मुख्य रूप से सिर्फ बिहार की है, लेकिन इसका डंका पूरे देश में बोलता है। सबसे खास वजह है इस पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव, वो नेता जो अपने चुटकीले अंदाज और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते हैं, सलाखों की कहानियों तक ही सीमित रह गई। लेकिन लालू प्रसाद ने जब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का गठन किया, तब उनका दमखम इतना था कि उस वक्त के बड़े बड़े नेता भी लालू यादव की काट नहीं तलाश पाए थे। आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ। बिहार के इस पार्टी की स्थापना दिल्ली में की गई थी। स्थापना के वक्त लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह समेत 17 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता व समर्थक जुटे थे। स्थापना के साथ ही लालू प्रसाद यादव को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और सजायाफ्ता होने के बावजूद वो आज भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। इस तरह दिल्ली में आरजेडी का गठन हुआ। हालांकि जरूरी ये नहीं है कि आरजेडी का गठन कब हुआ, जरूरी ये है कि आरजेडी का गठन आखिर हुआ क्यों। दिलचस्प बात यह है कि आज लालू यादव जिस कारण सजा काट रहे हैं, आरजेडी के गठन की असली वजह वही थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और लालू प्रसाद यादव की राजनीति को समझना होगा। तारीख 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ था, जहां से उन्होंने रायसीना तक का सफर तय किया। लालू के इस सफर का आगाज पटना यूनिवर्सिटी से हुआ था। यहीं से उन्होंने LLB की पढ़ाई की और यहीं से छात्र संघ अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो JP आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान वो जनता पार्टी के नेताओं के नजदीक आए। इसका नतीजा ये हुआ कि 29 साल की उम्र में ही वो लोकसभा सांसद बन गए। लालू यादव ने 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव जीता था। आपातकाल के चलते कांग्रेस विरोधी लहर चली और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बन गई। 2 साल बाद ही ये सरकार गिर गई और जनता दल भी बिखर गया। केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। लालू यादव ने भी अपना खेमा चुन लिया और उन्होंने 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरकर क्षेत्रीय राजनीति पर फोकस कर लिया। 1985 में लालू विधानसभा में नेता विपक्ष बन गए और दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति ने फिर करवट ली और VP सिंह के नेतृत्व में JP के वक्त के दलों को जुटाकर जनता दल का गठन किया गया। इस बीच बिहार में 1989 में भागलपुर के दंगे हुए और लालू यादव खुद सेकुलर छवि के नेता के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जब 1990 में बिहार में BJP के सहयोग से जनता दल की सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बात ठन गई। केंद्र में BJP की मदद से चल रही जनता दल की सरकार संभाल रहे तत्कालीन PM VP सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास को कुर्सी मिले, जबकि चंद्रशेखर रघुनाथ झा का समर्थन कर रहे थे। इस विवाद को खत्म करने के लिए Deputy PM देवी लाल ने लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया। 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव ने 23 सितंबर 1990 समस्तीपुर में लाल कृष्ण अडवाणी की यात्रा रोक दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। BJP ने लालू यादव के इस एक्शन पर करारा रिएक्शन दिया और केंद्र व बिहार की जनता दल सरकार में समर्थन वापस लिया। VP सिंह की सरकार तो गिर गई, लेकिन लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल कर अपनी ताकत दिखा दी। इस सियासी घटनाक्रम के दौरान चारा घोटाले की जांच भी चलती रही, जो आगे जाकर लालू यादव पर भारी पड़ गई।
1995 के विधानसभा चुनाव में भी जनता दल को जीत मिली और लालू यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1997 में जब लालू यादव का नाम चारा घोटाले में सामने आया और उनके नाम अरेस्ट वारंट जारी हो गया तो जनता दल में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, वही गुजराल जिन्हें 1992 में लालू यादव की मदद से राज्यसभा की सदस्यता मिली थी, लेकिन गुजराल भी CBI से लालू को बचा नहीं पाए। 4 जुलाई की शाम PM इंद्र कुमार गुजराल ने दिल्ली में अपने आवास पर नेताओं की बैठक बुलाई, लालू भी इसमें शामिल हुए। लालू यादव ने कहा कि वो CM पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन जनता दल का अध्यक्ष उन्हें नहीं रहने दिया जाए। CBI की गिरफ्त में लालू घिर चुके थे, लिहाजा उनकी एक नहीं सुनी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन 5 जुलाई को लालू यादव ने अपनी अलग पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल बना ली। इसके बाद लालू यादव ने एक और दावत चलते हुए 25 जुलाई को अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। इस तरह लालू ने अपनी अलग पार्टी भी खड़ी कर ली और सत्ता भी बचा ली। तो ये थी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक कदम की अद्भुत कहानियाँ और साथ ही साथ RJD की स्थापना की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।